हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। इससे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फिनिश कर लिया था, तो आज का टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये कब होगा। देखो, जब भी कोई एल्किल हैलाइड अगर हमें दिया गया है और वो एल्किल हैलाइड ऐसा है कि उसके पास एक बीटा हाइड्रोजन है, कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन, और उसे हम बॉयल कर देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की आपने रिएक्शन में देखा था कि KOH एक्वस लिया गया था, तो अगर एक्वस लेंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, लेकिन अगर ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन है तब ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। कैसे पता करेंगे यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है भी या नहीं है, है ना? तो देखो, यहाँ पे दो कार्बन दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। हम देख लेते हैं इसमें हेलोजन एटम कहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे हेलोजन एटम है ये। हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को हम अल्फा नाम देते हैं, ठीक है। अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे वो सब अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। यानी कि ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये भी अल्फा हाइड्रोजन हो गया, और ये खुद अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन से जस्ट पास में जो भी कार्बन जुड़ा होगा, जितने भी जुड़े होंगे वो सब बीटा हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी तो एक ही लगा हुआ है, अब ये बीटा कार्बन हो गया। तो बीटा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच हैं वो सारे हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, जैसे कि ये भी बीटा, ये भी, और ये ऊपर वाला भी, राइट। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये एक ऐसा हेलो एल्केन है जिसके पास बीटा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। तो जब भी कोई हेलो एल्केन्स लिया जाए जिसके पास बीटा हाइड्रोजन आइटम हो और उसे हम बॉयल कर दें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ, तो वो एलिमिनेशन करता है। एलिमिनेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है हाइड्रोजन के हैलाइड्स का, यानी एच और एक्स ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एच एक्स को रिमूव करना है। तो आसान भाषा में इसको समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि जैसे ये के और ओ एच, ये तो अपना के प्लस ओ एच माइनस में ब्रेक ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ एलिमिनेट कैसे हुआ, अल्कोहलिक सॉल्यूशन क्या करेगा, इसको एलिमिनेट करेगा बीटा हाइड्रोजन को। तो पहले हम एक बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे तीन बीटा हाइड्रोजन है, किसी एक को रिमूव कर दिया। सपोज ये नीचे वाला गया तो हल्का सा एक कट कर दिया कि चलो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इसी के साथ साथ अब इसको नाम पर पढ़ो, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है, और हैलोजिनेशन मतलब यहाँ पे हैलोजन भी निकल रहा है, यानी ये हैलोजन वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, करेक्ट। अब जरा ध्यान देना, बी आर निगेटिव होता क्योंकि इलेक्ट्रो निगेटिव है ज़्यादा, तो यहाँ माइनस, इसके पास प्लस आया होगा, ओके। अब ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिव, कार्बन, तो यहाँ निगेटिव आया होगा, यहाँ प्लस ही रहा होगा, है ना। तो मैं इसको ब्रेक करके यहाँ बना लेता हूँ ऐसे, एच सी सिंगल बॉन्ड सी एच, और एक एक एच ऊपर लगा हुआ है। नीचे वाला एच भी ब्रेक कर दिया, बी आर भी तोड़ दिया, ठीक है। एच भी ब्रेक हो गया, बी आर भी ब्रेक हो गया, इसे बाद में लिखते हैं, पहले मैं अपने मेन कंपाउंड को देख लेता हूँ, मेजर जो बना है। तो यहाँ देखो, एक कार्बन के पास माइनस चार्ज आ रहा है, एक कार्बन के पास प्लस चार्ज आ रहा है, तो माइनस प्लस की वजह से पोलैरिटी आएगी और एक एक बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो ये एक एल्कीन बन गया, इसका नाम है एथीन। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हेलो एल्केन्स एलिमिनेशन रिएक्शंस देंगी तो वो सिर्फ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ देंगी, और प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। प्लस साथ में क्या बन सकता है, हाइड्रोजन के पास प्लस है, इसके पास OH- है, तो H प्लस OH- यानी H2O निकल गया अलग, प्लस Br के पास माइनस है, पोटेशियम के पास प्लस है, तो K और Br अटैच हो गया। ऐसा मत करना कि इन्हीं दोनों को जोड़ देना, ये दोनों अलग अलग रिमूव होंगे, ठीक है। H वाटर के बनाएगा जाके, और Br पोटेशियम के साथ जाएगा, इस तरह से होता है, तो एल्कीन बनता है, ठीक है। अब इसको, इसका एक और नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो तीन नाम हो गए यहाँ पे,
पहला नॉर्मल एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोल सकते हो। तीसरा यह है कि बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोला गया? बिकॉज बीटा कार्बन के पास से हाइड्रोजन जा रहा है, तो बीटा हाइड्रोजन जा रहा है इसीलिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ओके। तो अब तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब जैसे ये रिएक्शन मान लो लिखी हुई है, अब आपको करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, थोड़ा सा इसको ओपन कर लो, है ना। ओपन करना बिल्कुल आसान है। ओपन करने में भी हमें ना वो वाले कार्बन्स को ओपन करने की जरूरत है जो बीआर से अटैच्ड हैं, उनके आसपास के दो कार्बन को। ठीक है, जैसे मैं ऐसे बना लेता हूँ इसको। ठीक है, ये सी एच टू, इसको भी अलग 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 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना क्या करना है हमें। प्लस के ओ एच जो ऊपर लिखा हुआ था, और ये अल्कोहलिक ले रहे हैं। अगर अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन होगा, यहाँ से ये क्लियर हो गया क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। देखो हैलोजन हमारा इस कार्बन से अटैच है, ये वाला, तो ये अल्फा कार्बन हुआ। अल्फा से मतलब नहीं है, अल्फा के पड़ोस वाला देखो कौन है, ये है, तो ये बीटा हुआ। इट मीन्स इसके पास का हाइड्रोजन जाएगा। अब इसके पास दो ही हाइड्रोजन है, एक ऊपर लगा एक नीचे लगा, तो इन दोनों में से दोनों ही बीटा हैं, कोई भी रिमूव कर सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या करें, इसमें तो कोई चेंजेस आए नहीं आगे वाले में, इसको पहले लिख लें। इतना लिख लिया, इसके बाद देखो अब यहाँ से चेंजेस शुरू होंगे। हमें इसके पास का कोई एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो मान लो मैंने ऊपर वाला रिमूव कर दिया, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख लूँ, ऐसे एक नीचे लगा लिया सिंगल बॉन्ड सी, और इसके पास का बी आर रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि नाम है डी हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रो हाइड्रोजन तो रिमूव कर दिया, हैलोजन भी रिमूव कर दिया आप। ठीक है, इसके पास ऊपर एक एच था, इसके पास एक नीचे एच था। ठीक है, अब देख सकते हो बी आर की जगह थी यहाँ पे, वो हट गया, हाइड्रोजन की जगह थी यहाँ पे, वो भी हट गया, तो दोनों के बीच बॉन्ड लगा दिया, वैलेंसी कंप्लीट, है ना। इस तरह से ये एक एल्कीन बन गई यहाँ पे, ये क्या बना, ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूट वन इन हो गया ना, तो ये तो बन गया ब्यूट वन इन। प्लस प्लस क्या बना होगा, के बी आर के साथ चला गया होगा, प्लस एच ओ एच के साथ आ गया है एच टू ओ। ठीक है, ये तो बहुत आसान रिएक्शंस हैं अगर हमारे पास बीटा कार्बन एक है। ठीक है, लेकिन कुछ एल्कीन्स ऐसी भी होती हैं जिनके पास बीटा कार्बन दो हो जाते हैं, और अगर दो बीटा कार्बन हो जाते हैं तब हम कैसे बनाएंगे, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, है ना। देखो जैसे सपोज ये आ गया, ये यहाँ ध्यान दो तो पता चलेगा कि ब्रोमीन तो मेरा ये वाला नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो ये तो अल्फा हो गया। अब ध्यान दो, अल्फा के इधर भी एक कार्बन ये लगा, इधर भी कार्बन ये लगा, तो ये एक बीटा ये, एक बीटा ये। अब कंफ्यूजन होती है कि भाई इसके पास जो दो दो बीटा कार्बन है, इस वाले बीटा कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है, यानी तीन बीटा हाइड्रोजन, इस वाले के पास में दो हाइड्रोजन है, तो यानी दो बीटा हाइड्रोजन। अब कन्फ्यूजन ये होगी कि हम किस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करें, इधर वाले कार्बन से या उधर वाले कार्बन से, है ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक ऐसा नॉर्मल प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। देखो दरअसल क्या होता है कि जब भी कभी दो बीटा कार्बन मिलेंगे तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, दो पॉसिबल प्रोडक्ट है। पहले दिखाता हूँ वो दोनों कौन कौन से होंगे। सी एच टू को मैंने ओपन कर लिया, इसके बी आर को ऐसे लगा लिया, एच ऊपर कर दिया, ठीक है, इस तरह से प्लस के ओ एच एल्कोहलिक। अभी इनका रिएक्शन कराते हैं। देखो ये तो अल्फा है, एक ये बीटा, एक ये बीटा, सब कुछ सेम लेके आते हैं, यहाँ कोई चेंजेस होना नहीं है, तो
इसको वैसे ही कॉपी कर लें। एक काम करते हैं, पहले इधर वाले के पास से रिमूव करके देख लेते हैं। तो सपोज करो पहले ये वाला हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया, ठीक है। और ये ब्रोमीन तो रिमूव होगा ही, तो ऐसे केस में एल्किन बनेगी, तो बॉन्ड बनेगा इनके बीच, यहां पे आ गया इन दोनों के बीच, ठीक है। बॉन्ड उसके बीच बनता है, अल्फा और बीटा के बीच बनता है, वो वाला बीटा जहां से हाइड्रोजन चला गया, इधर वाले के पास से हाइड्रोजन जाता तो इधर बॉन्ड बनाते हैं। अभी दूसरा प्रोडक्ट बनाया, आपको समझ में आ रहा होगा कि अब करना क्या है, इसी बॉन्ड को उठा के यहां लगा देना, इसका हाइड्रोजन रिमूव कर दो, इसका वैसे ही लगा दो जैसा था। इसको वैसे ही लगा रहेगा, ठीक है। देखो वैसे इधर इस बार कुछ नहीं कर रहा है इसके पास से, इस बार यहां डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। तो ये बन गया 1 2 3 4 5, यानी कि देखा जाए तो पेंट पेंटीन बन रहा है। देखो ये वाला पेंट 1 इन बन रहा है, ये पेंट 2 इन बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है पेंट 2 इन, इधर से नंबरिंग करेंगे ना 1 2 3, तो 2 नंबर पे आ रहा है, इधर करेंगे तो 1 पे ही आ रहा है। नाउ इसका नाम हो गया पेंट 1 इन। अब अगर थोड़ा सा आइसोमर पता है तो सिस एंड ट्रांस फॉर्म भी समझ में आ रही होगी कि यहाँ सिस कौन सी है ट्रांस कौन सी। मैं इसी को सिस एंड ट्रांस में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे पहले 1 इन का केस ले लेते हैं, चलो यहीं पे बनाते हैं 1 1, ये वाली है ना, ध्यान से देखना इसको मैं कैसे लिखता हूँ। हमारे पास क्या क्या है, CH3 CH2 और फिर ये CH2, इतना पोर्शन है ना, इसको मैंने उठा लिया, कट कर लिया CH3 CH2 CH2 को। ओके अब देखो ये सी डबल बॉन्ड सी है, ओके इसके पास क्या क्या लगा हुआ है ये ध्यान देना। तो मैं ऐसे करता हूँ ना, सी डबल बॉन्ड सी को बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे लिख लेता हूँ, सी डबल बॉन्ड सी है ना। अब इस वाले सी से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है डायरेक्ट, और दूसरा ये इतना बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है कनेक्टेड, तो एक तो ये ग्रुप कनेक्ट हुआ डायरेक्ट, दूसरा ये हाइड्रोजन कनेक्टेड था, तो मैंने ऐसे बना लिया। इस वाले सी को अगर देखोगे तो एक हाइड्रोजन ऊपर लगा है, एक इधर लगा है, तो दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन लगा दें। अब देखो ध्यान से समझ में आ रहा है, वही बना है पेंट 1 ही नहीं बना हुआ है ना, पेंट 1 ही ये हो गया। अब इसी का हम एक दूसरा फॉर्म बना लेते हैं, पेंट 2 इन का देख लो। पेंट 2 इन में ये है डबल बॉन्ड वाला सीन, इसका लेफ्ट राइट देख लो, इसके लेफ्ट में मिल रहा है CH3 CH2 और ऊपर एक मिल रहा है हाइड्रोजन, तो एक तरह हाइड्रोजन लगा लिया, ठीक है। इसको देखोगे तो एक हाइड्रोजन मिल रहा है डायरेक्ट और एक CH3 मिल रहा है, तो इधर CH3 लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा लिया, इधर ट्रांस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही हैं, दोनों फॉर्म मिल गई ना, सिस वाले भी मिल गए एंड ट्रांस फॉर्म भी मिल गई। तो अगर हम ऐसा हेलोएल्केन लें जिसके पास 2 बीटा कार्बन होंगे और हम उसका एलिमिनेशन कराएंगे, तो हमारे पास एक सिस फॉर्म बन जाएगी और एक ट्रांस फॉर्म भी बन जाएगी। अब मुद्दा यह है कि दोनों में से मेजर फॉर्म कौन सी बनेगी, या फिर आएगा अभी क्वेश्चन में कि भाई एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है तो बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। इसके लिए एक रूल है छोटा सा, उसे पढ़ने की जरूरत है, तो छोटा सा रूल है, बहुत छोटा सा, देखते हैं। देखो मैं रूल को भी ना डायरेक्ट रिएक्शन में ही बता देता हूँ, है ना, अलग से उसको रूल को लिखने की यहाँ पर भी कोई जरूरत नहीं है। बाकी नोट्स वगैरह आपको जो भी चाहिए होंगे वो आप उसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वो आप देख सकते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे लगा दिया मैंने Br। अभी दिख रहा, देखो यहाँ के केस में क्या है, ये अल्फा ये बीटा और ये बीटा, 2 बीटा दिख गए, प्लस मैं KOH ले लेता हूँ अल्कोहलिक वाला,
चलो कराते हैं रिएक्शन। विनो की प्रोडक्ट दो बन सकते हैं हमें, लेकिन अब यहीं पे मैं रूल बता देता हूँ छोटा सा। एक रूल है जिसका नाम है सेटजफ रूल, ठीक है। अलेक्जेंडर जैटसव एक रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने ये रूल दिया था। तो उन्होंने क्या बताया कि जब भी कभी कोई एक ऐसा हेलो एल्केन आ जाए जिसके पास दो अलग अलग बीटा कार्बन हैं, और यानी कि दो अलग अलग डिफरेंट कार्बन के पास से हम हाइड्रोजन एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन है, तो ऐसी एल्कीन बनाओ जहां कार्बन एटम और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पे भी हो वो ज्यादा एल्काइलेटेड हो, मतलब जिसके पास एल्किल ग्रुप की संख्या ज्यादा हो, ठीक है। या साधारण भाषा में देखो कैसे हम यहां पे इसको करेंगे, ये सी एच थ्री है, ये सी एच टू है, ठीक है। एक तरफ सी एच थ्री लिखा, दूसरी तरफ सी एच टू लिखा है। आपको पता है दो प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते थे ना, तो पहले दोनों की पॉसिबिलिटी बना ली। तो पहले मैं इधर वाले को ब्रेक करता हूँ, सी एच थ्री ऐसे लिखा, फिर सी एच टू है ना, ये सी एच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया इसका, डबल बॉन्ड बना दिया दोनों के बीच, ऐसे बी आर भी गया, इसका हाइड्रोजन भी गया, ठीक है ओके। इसका हाइड्रोजन गया, इसका बी आर गया, ये बन गया डबल बॉन्ड। प्लस दूसरी कंडीशन क्या हो सकती थी, ये हम सेम रखें, वैसे ही रखें सी एच थ्री सी एच टू सी एच, बी आर तो हटा दें इसका, पर इसके पास से हाइड्रोजन हटा दें तो डबल बॉन्ड सी एच टू, एक ये प्रोडक्ट बन सकता है ओके। तो एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहां बन गया ब्यूट वन इन, यहां पे क्या बन गया ब्यूट वन इन, और यहां पे बन गया ब्यूट टू इन, राइट। अब मैक्सिमम एल्काइलेटेड मैंने भी बोला था कि डबल डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि वो मैक्सिमम एल्काइलेटेड हो सके, यानी ज्यादा एल्किल ग्रुप जिसके पास हो सके। यहां वाले में देखो एक एल्किल ग्रुप इधर लगा, एक इधर लगा, दो एल्किल। अब इसके पास देखोगे तो इधर ही केवल एक ही एल्किल ग्रुप यही लगा हुआ है, उधर तो कोई एल्किल ग्रुप नहीं है ना, इसके पास दो मिल रहे हैं, तो ये मेजर हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको बार बार, अब ऐसा तो नहीं होगा कि बना बना के हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, फिर देखें एल्किल ग्रुप काउंट करें, इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं होगी। आप सिंपल वे में कर सकते हैं, जैसे मैंने इसी एग्जांपल को फिर से मैं लिख लेता हूँ, सी एच थ्री सी एच टू देन सी एच सी एच थ्री बी आर एल्कोहलिक के ओ एच। सिंपल वे में इसी रिएक्शन को करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो ढूंढ लो पहले बीटा कार्बन है कौन कौन सा, तो ये अल्फा मिला, ये बीटा और ये बीटा। अब जब बीटा ढूंढ लिया तो दो ही मिल रहे हैं, ये देखो ऐसा बीटा कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम लगे हुए हैं, तो पता चल रहा है इधर तो तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इधर दो ही लगे हुए हैं, तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसी का हाइड्रोजन रिमूव करना है। अब इसी का रिमूव कर देते हैं, सी एच थ्री, इसके पास सी एच टू था तो सी एच कर दिया, इसके पास सी एच है सिंगल बॉन्ड सी एच हुआ, इधर सी एच थ्री वैसा ही रहा, डबल बॉन्ड क्यों लग जाएगा क्योंकि ये बी आर भी चला गया, यही मेजर प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट ढूंढना हो सेटजफ रूल लगाओ। सेटजफ रूल क्या कहता है, ऐसा बीटा कार्बन के पास से हाइड्रोजन रिमूव करना जिसके पास ऑलरेडी बीटा हाइड्रोजन कम लगे हुए हैं, वही मेजर होगा, ठीक है ओके। जिसके पास कम लगे हैं वही मेजर प्रोडक्ट होगा। बाकी तो ये मेन रूल था कि भाई अब बना के देखो, फिर दोनों में एल्किल ग्रुप काउंट करो, इतना कुछ नहीं करने की जरूरत है। जिसके पास हाइड्रोजन कम है वही वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन, भी कम्प्लीटली खत्म हो गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्टिविटीज वगैरह तो बाद में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में, अभी तो केवल रिएक्शन पे आ रहे हैं हम लोग, तो वन बाय वन सारी रिएक्शन को खत्म करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी रिएक्शन विद मेटल्स के साथ में, मेटल्स क्या हो सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब है ना। तो पहले जैसे RX लिया, Mg के साथ रिएक्ट करा देते हैं हम। चलो देखो जितने ये एल्किल हैलाइड्स हैं, यूजली एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड,
सोडियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, लिथियम, इन सबके साथ रिएक्ट करते हैं, ये सब एक्टिव मेटल कहलाते हैं और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएगा, यानी आर एक्स तो रह कह रहेगा, उसमें मैग मेटल भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, तो बड़ा आसान रिएक्शन है। आर और एक्स तो लगा ही हुआ था, उसके बीच में उठा के एम जी को लगा दिया हमने। अब ध्यान दो, आर एम जी एक्स ये क्या है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट ही तो है, ये तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट बन गया ना। ठीक है, एक्स कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये हो गया आराम से। यहाँ पे हम C2H5 ले लें, यहाँ Cl ले लें, प्लस Mg ले लें, सेम रिएक्शन करा दें, तो क्या बन जाएगा C2H5MgCl या C2H5MgBr अगर यहाँ Br होता तो। ठीक है, तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट भी बना सकते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा सोडियम के साथ देखते हैं, सोडियम वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि यहाँ पे हमें पढ़नी है एक रिएक्शन, ये रिएक्शन विद मेटल में नंबर ए ले लिया मैंने, ये किसके साथ था, विद मैग्नीशियम। सेकंड लेते हैं हम बी नंबर, विद सोडियम। सोडियम के साथ वाली जो रिएक्शन है वो, उसको हम वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं, इसका स्पेशल नेम भी है, ये 11th में भी है, वुड्स रिएक्शन। 11th में हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में आपने पढ़ी होगी ऑलरेडी। यहाँ दो एल्किल हैलाइड लेने पड़ेंगे, सबसे पहली कंडीशन, दो एल्किल हैलाइड होने चाहिए, यानी एक RX और एक और RX होना चाहिए। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, उल्टा लिख लेता हूँ ताकि इसको समझने में आसानी रहे। अब दो एल्किल हैलाइड लिए हैं, दो सोडियम भी लेने पड़ेंगे, दो सोडियम मैंने लिख लिए बीच में ऐसे ऐसे। ठीक है, नाउ क्या करना है, वुड्स रिएक्शन है ये, ड्राई ईथर ले लो, आर और एक्स का बाउंड ब्रेक होगा, इधर भी और एक्स का बाउंड ब्रेक होगा, ये एक्स भी फ्री, दोनों सोडियम, दो सोडियम दो एक्स को रिमूव कर देंगे, यानी -2NaX। आर और आर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, R-R क्या होता है, एल्केन है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे +2NaX। जैसे इसका एक एग्जांपल ये ले लिया मैंने CH3Cl +2Na, ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसे दो डायरेक्ट लिख लिया ड्राई ईथर के साथ। ठीक है, दो CH3 है ना, दोनों CH3 को जोड़ दो आपस में, C2H6 बन गया, C2H6 इज व्हाट, एथेन, तो ये तो एथेन बन गया, दो सोडियम दो क्लोरीन के साथ निकल गए +2NaCl। ठीक है, तो देखो एल्किल हैलाइड की मदद से हम ना एक हायर एल्केन बना सकते हैं, डबल कार्बन की, यहाँ एक कार्बन था है ना, मतलब एक ही एल्किल हैलाइड लिया था तो उसके दोनों कार्बन आपस में कनेक्ट हो गए, दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे बस, ये इतना याद रखना है, वुड्स रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल होते हैं और जरूरी नहीं है कि ये दोनों एल्किल हैलाइड सेम हो, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यूजली जो वुड्स रिएक्शन है वो सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया अपना। अब आता है नेक्स्ट रिडक्शन, रिएक्शन, अब कौन सी रिएक्शन बची है केमिकल में, रिडक्शन आ गया। तो रिडक्शन के लिए तो देखो सबसे पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे हैं, ठीक है, अलग अलग कंडीशन पे काम करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले ले लेता हूँ सबसे सिंपल वाला नंबर 1, जैसे मैंने लिया ये CH3CH2Br, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड है प्लस हाइड्रोजन, ऊपर ले लिया निकिल, इसकी जगह पे आप PD कुछ भी ले सकते थे, और हीट कर दिया, यहाँ यूजली 5 to 5 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, देखो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, H2 by PT, H2 by PD, H2 by NI है ना, PT PD NI, ये यूजली होता है, हीट कर देते हैं हम इसको। ऐसे केसेस में दो कार्बन है इसके पास, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
ब्रोमीन, हाइड्रोजन को हटाना है, हाइड्रोजन को लगाना है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन लगाना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ ना, इस पूरे को काउंट करके ऐसे ही लिख देता हूँ, CH3CH2- Br लिखना था ना, Br हटा दो, जितने Br हटा रहे हो वहाँ पे एक ही तो है, तो एक हाइड्रोजन लगा दो, H लगा दिया, अभी क्या बन गया CH3CH2H, दो और एक तीन, तो ये बन गया CH3CH3। और इसी को देखो तो C2H6 है, तो ये तो एल्केनी बन गया। अब अभी पढ़ी थी वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो एल्किल हैलाइड ले करके हम मतलब दो मॉलिक्यूल से बना पा रहे थे डबल, यहाँ देखो एक ही है और दो कार्बन यहाँ थे, दो ही कार्बन यहाँ पे भी हैं, सेम एल्केन बन गए, तो यहाँ पे भी एल्केन बन रहा है, तो यानी कि रिडक्शन करेंगे तब भी एल्केन बनेगा, वुड्स रिएक्शन करेंगे तब भी एल्केन बनेगा, फर्क इतना है रिडक्शन में हमें एक ही मॉलिक्यूल लेना है एल्किल हैलाइड का, और वुड्स रिएक्शन में हमें दो मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है। ये इसको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या भी बोल सकते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं जो रिडक्शन करा सकते हैं, जैसे जिंक कपल होता है, लाइक CH3CH2Br ही ले लिया मैंने फिर से, प्लस दो हाइड्रोजन लिए, जिंक कॉपर का कपल विद एल्कोहल, तो C2H5 ये भी एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट ही है ना, जिंक कॉपर कपल एंड एथिल एल्कोहल का मिक्सचर, यूजली 95% का होता है ये, इन दोनों को मिलाओगे तो भी एल्केन ही बनेगा, रिडक्शन से बनेगी एल्केन ही, मैटर नहीं करता यहाँ पे हम कौन सा एजेंट ले रहे हैं, एजेंट कोई भी लें अगर रिडक्शन हो रहा है एल्किल हैलाइड का तो वो एल्केन ही बनाएगा, ये फिक्स है। यहाँ पे देखो दो कार्बन थे तो दो कार्बन की एल्केन बना दो डायरेक्ट, CH3CH3, Br को तो अलग करना ही करना है ना, प्लस HBr हो गया, ओके यहाँ पे भी होगा HBr अलग, ठीक है। तो इस तरह से रिडक्शन कर सकते थे, केवल आयोडीन के केस में एक स्पेशल एजेंट लेते हैं, वहाँ पर रेड फॉस्फोरस ले लिया जाता है, जैसे अगर हम एक तीसरा केस लें यहाँ पे, CH3CH2I+HI हाइड्रोजन आयोडाइड लिया, रेड फास्फोरस, तो HI/रेड फास्फोरस ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या कर रहा है, केवल डायरेक्ट आयोडीन के केस में लिया जाएगा, बाकी किसी केस में नहीं लिया जाता ये, अगेन CH3CH3 एल्केन बन गया प्लस I2 अलग, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बता देता हूँ, एजेंट तो बहुत सारे हैं, Zn/HCl भी रिड्यूसिंग एजेंट है, Sn/HCl भी रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, NaBH4 ये भी रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो एक चार तो यही हो गया, फिर H2/PT, H2/PD, H2/NI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रेड फास्फोरस, जिंक कपल के साथ में एथिल एल्कोहल, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से कुछ भी होगा तो वो एल्केन बना देगा, एल्किल हैलाइड रिड्यूस होकर एल्केन बना देगा, राइट। ये भी हो गया, अब आती है हमारी एल्किल हैलाइड्स की लास्ट केमिकल रिएक्शन, जिसका नाम था रीअरेंजमेंट या फिर आइसोमराइजेशन भी इसको बोला गया था। ठीक है, देखो पहले इसको मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ अलग से। जब किसी हेलो एल्केन्स को, यानी RX को, जब किसी हेलो एल्केन को अगर हम हीट कर दें 573 केल्विन टेम्परेचर पे या फिर थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर पे, इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में कर दें, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, और ये एनहाइड्रस होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर हीट कर रहे होंगे इसकी प्रेजेंस में, तब क्या होता है, तब जाके रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, तो ये रीअरेंज होते हैं मॉलिक्यूल, और रीअरेंज होकर के आइसोमरिक हेलो एल्केन बना लेते हैं, तो अपना ही एक आइसोमर बना लेंगे। कैसे बनेगा यहाँ पे दिखाते हैं, मैं रिएक्शन में दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये लिया मैंने CH3CH2CH2Cl, अब देखो ये तो नॉर्मल
क्लोरोप्रोपेन है, इसका अपना एक आइसोमर भी बन सकता है। तो अगर हम प्लस प्लस की जगह डर एरो बनाते हैं ऐसे, AlCl3 जो कि एनहाइड्रस है, और हीट कितने टेम्परेचर पे कर रहे थे, 573 केल्विन टेम्परेचर पे, देखते हैं क्या बनेगा। रीअरेंज करना है, जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है जिस कार्बन से, उसके पड़ोस वाले कार्बन के पास में हाइड्रोजन को अटैच कर दो, बाकी सब सेम रखो। और अटैच करने का तरीका भी देख लो, यहाँ पे इधर CH3CH2, क्योंकि आइसोमर बना रहे हैं ना, तो कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं होगी, जो जितना था उतना ही रहेगा। अब सोचो अगर मैं क्लोरीन को चेक कर लेता हूँ पहले, तो ये कहाँ लगा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसके पड़ोस में कौन सा कार्बन है, ये इसके पास लगा देते हैं। अगर इसके पास लगा देंगे तो इसकी वैलेंसी तो ऑलरेडी स्टेबल है, चार वैलेंसी कंप्लीट हो, इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, उसको Cl की जगह ले जाओ, ताकि सब इक्विलिब्रियम में बना रहे। तो ऐसे बन गया देखो CH3, अब CH2 की जगह CH कर दिया और Cl लगा दिया, डैश CH2 वैसे ही रहा और Cl की जगह H आ गया, तो यानी कि ये CH3 बन गया। यही यहाँ पे करना है हमें, CH3 CH। अब CH में हमने Cl लगा लिया, उधर CH2 और एक हाइड्रोजन लगाओगे तो CH3। तो देखो ये भी क्लोरोप्रोपेन है, ये भी क्लोरोप्रोपेन है, फर्क कितना है, ये 1 क्लोरो है, ये 2 क्लोरो है। हैलोजन की पोजीशन चेंज कर दी बस, और कुछ नहीं। इसीलिए इसको बोला गया आइसोमराइजेशन रिएक्शन, यानी अपना ही आइसोमर बना रहा है, खुद रीअरेंज हो रहा है, अपने ही प्रोडक्ट को रीअरेंज कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो हाइड्रोजन जाएगा वहां से, हाइड्रोजन जाएगा जहां से, वहीं हैलोजन रिमूव हो रहा है। हमने पहले वाले पे, इधर वाले पे क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम यहीं हैलोजन लगा देंगे तब तो सेम प्रोडक्ट ही रहेगा, तो 1 क्लोरो का 1 क्लोरो ही बन जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो उसी का एक आइसोमर बनाया जाता है, जो पॉसिबल आइसोमर होता है। तो ये तो हो गया हमारा आइसोमराइजेशन का एक केस था, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो लगभग सारी रिएक्शन हमारी हो गई, अब कोई रिएक्शन नहीं बची है। इसी के साथ केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स पूरी तरह से फिनिश हो गए। तो अगर आप देख सकते हो अभी तक के जितने भी वीडियोस आए, सबसे पहले वीडियोस में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो टॉपिक नंबर 1 ये जा चुका, फिनिश हो गया। नंबर 2 पे हमने प्रिपरेशंस पढ़ी, है ना, क्लासिफिकेशन दोनों का पढ़ा, हेलो एल्केन यानी RX का भी और ARX का भी, प्रिपरेशंस भी दोनों की पढ़ी, हेलो एल्केन की भी और हेलो एरिन्स की भी। फिर नंबर 3 पे फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन की भी पढ़ ली, हेलो एरिन्स की भी पढ़ ली। अब हमने नंबर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना शुरू की, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हेलो एल्केन की तो फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे तो वो हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी पे होंगे, इसी के बाद आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और फिनिश होने से पहले जो बीच में ऑर्डर्स रह गए हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स, SN1 SN2, ये भी बताना है। तो ये सारी रिएक्शंस ख़त्म होने के बाद ये जो एक्स्ट्रा बचेगा चीज़ें, वो एक लास्ट लेक्चर में हो जाएंगी। तो होपफुली 2 से 3 लेक्चर में शायद ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एंड उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही होंगी। बाकी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई इशू है, कुछ भी पूछना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।